क्वेश्चन है, एक सॉलिड स्फीयर है, एक डिस्क है और एक रिंग है। इसको इंक्लाइन प्लेन के टॉप से हमने छोड़ दिया, रोल करने के लिए छोड़ दिया। अज्यूमिंग फ्रिक्शन तो है ही है, रोल है तो फ्रिक्शन है। तो यू इज इक्वल टू जीरो से ये रोल करता 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 नीचे आया। जब ये नीचे आया, मास और रेडियस सभी का सेम है। क्वेश्चन आएगा कौन पहले नीचे आया और कौन सबसे आखिरी नीचे आया। आपको कि मास और रेडियस तो सेम है तो इकट्ठे आएंगे नीचे, नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की किसी भी बॉडी जो रोल करती है इसके इक्वल होती है। तीनों बॉडीज का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर डिफरेंट है, तो एक्सेलरेशन भी तीनों की डिफरेंट है। कोई तेज नीचे आएगा, कोई स्लो नीचे आएगा। जैसे जिस भी बॉडी का, मान लो जो सेंटर ऑफ मास है वो ट्रांसलेशन मोशन में, स्ट्रेट लाइन मोशन में है, तो मान लो उसने एस डिस्टेंस कवर किया, तो एस की वैल्यू क्या होगी? 0 + 1/2 AT² है ना। लीनियर मोशन इक्वेशन तो सेंटर ऑफ मास पे लगी सकती है काइनेमेटिक्स की, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाइम आ गया। जिस भी बॉडी का एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की वैल्यू कम होगी उसका टाइम ज्यादा होगा, और जिसकी एक्सेलरेशन ज्यादा होगी उसका टाइम कम होगा। सिंपल रूल है। अब एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला है, तीनों बॉडीज का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख लो। के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर स्फीयर का 2/5 होता है, 0.4 है। डिस्क का हाफ होता है 0.5 और रिंग का तो 1 होता है। सबसे ज्यादा के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर किसका है? रिंग का है। तो अगर रिंग का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे ज्यादा है, इसका डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा है, तो इसकी एक्सेलेरेशन सबसे कम है, और जिसकी एक्सेलेरेशन कम है उसका टाइम नीचे आने का सबसे ज्यादा है, तो रिंग सबसे लेट नीचे आएगी। सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम है, तो अगर सॉलिड स्फीयर का के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर सबसे कम है तो एक्सेलेरेशन सॉलिड स्फीयर की सबसे ज्यादा है, और अगर एक्सेलेरेशन ज्यादा है तो टाइम टेकन सॉलिड स्फीयर का सबसे कम है। तो सबसे पहले नीचे कौन आएगा? सॉलिड स्फीयर आएगा। तो कैसे चेक करने, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, चेक करके बताना होता है, कुछ भी नहीं करना, बस ये क्वेश्चन लगा और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हेल्प करेगा बताने में कि कौन पहले कौन लेट नीचे आएगा। तो पहला स्टेप क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है,